सच बताऊं पप्पू, उस रोज अगर मैं एयरपोर्ट से आपके घर ना आती ना, तो कब की हिम्मत हार के वापस जा चुकी होती। मतलब तू अपनी हिम्मत का सहरा भी मेरे सर बांधना चाहती है। बस वो बता रही हूँ जो सच है। सच तो ये भी है शर्मी कि तू हमना और फहद की माँ है। जितनी तू मुझे अजीज है उतने वो भी मुझे प्यारे हैं। बड़ी फिक्र रहती है मुझे उनकी। उनकी फिक्र करने को उनके बाबा हैं, और वैसे भी वो कौन सा पाकिस्तानी बच्चे, दुनिया चला लेंगे वो। पर आपको और मुझे मिलके ये काम चलाना है। हेलो हेलो बेटा, हेलो, आवाज नहीं आ रही है बेटा मुझे। अब आ रही आवाज आपको? हाँ बेटा, अब बेहतर है। बताओ बच्चे कैसे हैं, सब खैरियत है ना? ठीक है अम्मी। अच्छा, वो कुकी से कोई बात बात हुई तुम्हारी? नहीं, आप बताएं, आपकी तरफ कुछ हुआ, एनी प्रोग्रेस? बस बेटा क्या बताऊं, पता नहीं किसकी नजर खा गई मेरे बच्चों की खुशियों को। क्यों किसी से हजम नहीं हो रही मेरे बच्चों की खुशियां? अम्मी लोगों का क्या कसूर, आप बस दुआ करें। दुआ तो बेटा मैं हर वक्त करती रहती हूँ तुम लोगों के लिए। बताओ फिर हमना से बात हुई तुम्हारी? वो लोग बहुत डिस्टर्ब है फिर से। तो तुमने बात नहीं की? की थी, मैं उसने मना कर दिया। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा है? उसने मना कर दिया और तुम मुझे बड़े आराम से बता रहे हो कि मना कर दिया उसने। और मैं क्या कर सकता हूँ अम्मी? बहुत कुछ कर सकते हो तुम, पापा उसके। उसे समझाओ अदनान, वो बच्ची है, उससे कहो कि उसका बुरा भला हम ज्यादा अच्छी तरह समझते हैं। यही तो मैं कह रहा हूँ आपसे कि वो बच्ची है अभी। उसे कहो मुझसे फोन पर बात करे। जी भाई, ये कट गए टमाटर। बहुत शुक्रिया पप्पू, आई एम सो सॉरी मैंने आपको तंग कर दिया। जो खुशबू आ रही है ना इस किचन से, सालों में नहीं है, बड़ी जबरदस्त है। लेकिन शर्मीन मैं थक गई बेटा, मैं अब आराम करूंगी। जाए लेकिन एक शर्त पे। क्या? कि आपको दुआ करनी पड़ेगी कि हमारा ये काम चल जाए। चल गया ना तो इससे भी अच्छी खुशबू आएंगी। इंशाल्लाह। आप आराम करें। हाँ हाँ।